हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, लिब्रा बेस्ड डेटाबेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर लिब्रा बेस्ड डेटाबेस ओपन किया है हमने, एक टेबल हमें बनानी है। तो टेबल को डिजाइन करने के लिए हमें जाना होता है क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू पर, ठीक है। तो यहीं पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर आपको मिलेगा फील्ड नेम। तो फील्ड नेम में आप क्या डालेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट, ये लिख दिया मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपको भी लिख देना है नेम ऑफ स्टूडेंट। इसका डेटा टाइप आप क्या रखना चाहते हैं, फिलहाल इसको वायरकैट यानी टेक्स्ट डेटा टाइप ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया नेम ऑफ फादर, ये कुछ इस तरीके से नेम ऑफ फादर, तो ये हो गया हमारा। और नेम ऑफ फादर लिखने के बाद अगर आप मदर्स नेम देना चाहते हैं या फिर एड्रेस देना चाहते हैं या सिटी देना चाहते हैं, कुछ भी देना चाहते हैं, तो यहाँ पे दे दीजिए। तो ये सिटी दे दिया मैंने, और सिटी देने के बाद बस आपको यहाँ से सेव पे क्लिक करना है और जिस भी नाम से सेव करना चाहते हो, मैं फिलहाल टेबल वन कर देता हूँ। यहाँ पे प्राइमरी की असाइन नहीं की है मैंने, तो यहाँ पे ऊपर आई डी के नाम से अपने आप प्राइमरी की आ जाएगी अगर ये कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ आईडी के नाम से प्राइमरी की आ गई है। अब इसको सेव कर दीजिए और सेव करके अब हमें क्लोज करना है। तो क्लोज करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे टेबल आपकी बनी हुई मिलेगी, ठीक है। अब इस टेबल में क्या क्या चीजें आपको एंटर करनी है वो देख लीजिए। जैसे सपोज कीजिए आईडी नंबर वन है, स्टूडेंट का नेम है राम, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ फादर्स नेम श्याम कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और सिटी कर देता हूँ देवरिया, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। और फिर एंटर करके नीचे आइए, फिर यहाँ टू दे दीजिए, फिर यहाँ कर दीजिए संजू कुछ इस तरीके से। तो ये दो नाम देने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही क्लोज करूंगा तो ये देखेंगे टेबल वन बनी हुई है और इसमें ये नाम एंटर है, ठीक है। अब हमको इसके लिए फॉर्म डिजाइन करना है, तो सो हाउ कैन वी डिजाइन अ फॉर्म। अब इससे यहीं पे आएंगे या तो यहीं पर आपको फॉर्म मिल जाता है, तो यहाँ से आपको फॉर्म किस तरीके से क्रिएट कराना है, ये फॉर्म है, ये फॉर्म जो है आ जाएगा। और फिर इसको हम विजर्ड के थ्रू बनाना चाहते हैं या फिर क्रिएट फॉर्म इन डिजाइन व्यू किस तरीके से बनाना चाहते हैं, तो विजर्ड के थ्रू हम बनाएंगे। तो ये विजर्ड पे क्लिक कर दीजिए आप, और जैसे ही आप विजर्ड पे क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो ओपन होती है आपके सामने। अब जब नई विंडो ओपन हो जाएगी तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए वो चीजें आपको लेनी होगी। जैसे मान लीजिए मुझे आईडी नहीं चाहिए, केवल नेम ऑफ स्टूडेंट चाहिए, फादर्स नेम चाहिए और सिटी चाहिए। तो ये तीनों लेकर के बस यहाँ से नेक्स्ट करिए, और फिर यहाँ से अगर सब फॉर्म ऐड नहीं करना तो छोड़ दीजिए, यहाँ से नेक्स्ट करके और फिर यहाँ से फिनिश कर दीजिए आप। तो बस आप देखेंगे कि आपके सामने इसी तरीके से ये देख सकते हैं ये फॉर्म बना हुआ आ गया है। ये देख लीजिए, ये आपका फॉर्म है, ये कुछ इस तरीके से बना हुआ आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं आप इसमें आप और भी चीजें एंटर करा सकते हो। फॉर्म जो है आपको और भी कन्वीनियंस देता है, आपके डेटा को देखने में सुविधा प्रदान करता है फॉर्म। तो इस तरीके से आप फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं, ये इजी है। और आई होप कि बात भी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।